आज की वीडियो शुरू करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू शेयर कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मैं। देखिए, जब मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया था तब मेंटोरशिप का तो मेरा कोई प्लान नहीं था, बट लास्ट 3 to 4 months से मैं एक मेंटोरशिप चला रहा हूँ जिसमें आप बहुत सारे लोगों ने आपने ज्वाइन किया हुआ है। और लास्ट 11th of August को मैं अवेलेबल नहीं था, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं किसी को होस्ट बना दूंगा और आप सब मिल के लाइव सेशन करिएगा। एंड ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई, एक्चुअली दिल से खुशी हुई, इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कल सबने मिल के, मैं नहीं था, उसके बाद भी सबने मिल के ट्रेडिंग किया और कुछ अच्छा प्रॉफिट भी कमाया। पूरे जो भी मेंटोरशिप के मेंबर्स हैं सबने मिल के ट्रेडिंग किया और अच्छा प्रॉफिट कमाया। तो जो मैं ये गोल लेके चल रहा था कि एक बहुत रीजनेबल कॉस्ट, एक बहुत कम कॉस्ट पे सबको मैं कुछ अच्छा सिखा सकूँ, ट्रेडिंग बिजनेस में कुछ अच्छा सिखा सकूँ ट्रेडिंग के प्रस्पेक्टिव से लेके, तो ऐसा लग रहा है कि जो मैंने सोचा था वो गोल अभी पूरा हो रहा है। सो थैंक यू ऑल द मेंटोरशिप मेंबर जिन्होंने काफ़ी मेहनत की, मैंने भी की, आपने भी की, हम दोनों ने मिलकर काफ़ी मेहनत की और इस मेंटोरशिप को अभी हम अच्छा लेके आगे चल रहे हैं। कोशिश रहेगी आगे कि मैं और अच्छा अपने अंदर भी और इम्प्रूवमेंट करूँ, सो दैट कि इस पूरे जो गोल मैं के लेके चल रहा हूँ इस गोल को और आगे तक लेके जा सके। और मेरा गोल सिर्फ ये मेंटोरशिप ही नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये यूट्यूब चैनल भी है। इस चैनल के थ्रू आप लोग का बहुत प्यार मिला है मुझे, तो इस चैनल पे भी मैं अभी आने वाले टाइम में 15 अगस्त, 19 अगस्त और 20 अगस्त को भी मैं कुछ स्ट्रैटेजीज पे काम कर रहा हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगा, सो दैट कि आप लोग भी और अच्छे से सीख सकें। इवन जो लोग मेंटोरशिप में ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग भी अच्छे से सीख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि मेंटोरशिप में मैं कुछ बहुत अच्छा सिखाऊंगा और यूट्यूब पे नहीं सिखाऊंगा, मेरा फोकस दोनों तरफ है। तो जो लोग भी मेंटोरशिप के मेंबर हैं वो लोग भी अच्छा सीख सकें, अच्छे से सीख सकें, और जो लोग यूट्यूब के मेंबर हैं, यूट्यूब की फैमिली है, वो लोग भी अच्छे से सीख सकें। सो इसी गोल के साथ आज हम लोग आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हमने एक वीकली कैलेंडर ट्रेड लिया हुआ है, उसके बारे में मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, और नेक्स्ट वीक में जो हमारा 18 अगस्त को एक्सपायरी है उसके वीक में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट की क्या रेंज रह सकती है, दो इसके ऊपर मैं मंडे ट्यूसडे और भी आके फॉलोअप की वीडियोस बनाऊंगा, तो सारी डिटेल्स आज की वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। अगर आपको लगता है कि चैनल के थ्रू हम आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं, आपकी ट्रेडिंग जर्नी को ईजी बना सकते हैं, प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, समझते हैं सारी चीज़ें। चलिए तो हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑप्शन चेन खोला हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का ही ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, क्लियरली आप देखेंगे तो 17,500 हमारे लिए काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट बन चुका है, 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। इस वीक पर्टिकुलर मैं 18 अगस्त की एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, जिसमें से 13 और 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट तो सिर्फ आज के दिन ऐड हुआ है। और हम अगर रेजिस्टेंस की बात करें, जैसा कि अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको बताया 17,800 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और आप यहाँ पे भी देखेंगे तो इस वीक में भी 17,800 पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो हमारे लिए जो रेंज है निफ्टी के लिए वो 17,500 से लेकर 17,800 की है, तो ये काफ़ी टाइट रेंज है, 300 पॉइंट की रेंज है। बट अगर आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, मंडे के दिन मार्केट बंद रहेगा, तो हमारे पास सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस हैं, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। तो 3 ट्रेडिंग सेशंस में अगर मार्केट एक दिन भी 17,800 के आसपास रेजिस्टेंस ले लेता है और उसके बाद नीचे जाता है, तो ये जो हमारी रेंज है ये काफ़ी हद तक इंटैक्ट रहेगी और मार्केट मोस्ट लाइकली चांसेस यही रहेंगे कि मार्केट 17,800 से और 17,500 के बीच में बंद रहेगा। ये मेरा अभी का एनालिसिस है, जैसे जैसे डेटा और इसमें ऐड होता जाएगा हम लोग आगे का एनालिसिस करते जाएंगे, जैसे मंडे ट्यूसडे को करेंगे, वेंसडे को करेंगे और थर्सडे तक जाके हम अपना पूरा एक ट्रेड एडजस्टमेंट के थ्रू जो भी मार्केट की रेंज होगी उस रेंज को कवर करने की कोशिश करेंगे एडजस्टमेंट के थ्रू, राइट। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस हो गया, हम बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप बात करें तो देखिए मार्केट आज 39,000 के ऊपर क्लोज हुआ है और ये एक एक्चुअली बहुत पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट के लिए 39,000 एक बैंक निफ्टी के लिए एक्चुअली एक बहुत बड़ा हर्डल था। काफ़ी टाइम से मार्केट 39,000 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, 2-3 बार ट्राई किया, बट पास्ट में लास्ट के 3-4 महीने में 2-3 बार ट्राई किया बट हर बार फेल हो जा रहा था। आज फाइनली मार्केट 39,000 के ऊपर क्लोज हुआ है,
तो अभी हमारे लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो 39,500। ऑल दो मार्केट लास्ट 10 डेज में काफ़ी हद रैली कर चुका है, तो अभी हम बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रैली और ऊपर की तरफ इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट अभी जैसा भी डेटा बिल्ड हो रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं 39,500 हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, सपोर्ट का काम हमारे लिए फिलहाल के लिए 3900 काम करेगा क्योंकि मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी हुई है। तो हमारे लिए 39,000 सपोर्ट का काम करेगा और पहला रेजिस्टेंस हमारा 39,500 का हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई डिटेल्स हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन का एनालिसिस। अब हम लोग ये ट्रेड देख लेते हैं, ये वाला ट्रेड हमारा वीकली ट्रेड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर किया था टेलीग्राम पे, पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आपको टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो इस ट्रेड में क्या हुआ है कि यहाँ पे मैंने 39,000 का पुट ऑप्शन सेल किया हुआ है और 39,000 का पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है नेक्स्ट एक्सपायरी का, 25 अगस्त की एक्सपायरी का। यूजली मैं क्या करता हूँ, अगर मैं थर्ड वीक में हूँ, मतलब अगर ये थर्ड वीक हमारा चल रहा है तो मैं नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी बाय करता हूँ। बट मैंने देखा कि नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में हमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ रहा है कंपेयर टू करेंट वीक की एक्सपायरी, जो आपकी ये मंथ एंड की एक्सपायरी है उसके कंपैरिजन में। और विक्स अगर नीचे जाती तो हमें उस नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में थोड़ा लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा थे। अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो दोनों में हमें अराउंड 160 पॉइंट का डिफरेंस दिख रहा है, और ये 160 पॉइंट का डिफरेंस अगर विक्स नीचे भी जाएगी ना, क्योंकि कैलेंडर ट्रेड आप ये समझ लीजिए कि कैलेंडर ट्रेड जब विक्स बढ़ती है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, विक्स गिरती है तो आपको थोड़ा नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे आपको रेंज बहुत छोटी मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे विक्स बढ़ेगी आपकी ये रेंज भी बढ़ जाएगी। अगर विक्स कम हुई तो हमारे लिए जो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर हम नेक्स्ट मंथ का बाय करते तो हमें थोड़ा और लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते, इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया और करंट जो आपका हमारा अगस्त मंथ चल रहा है उसी मंथ का ये ऑप्शन बाय किया हुआ है। अभी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं क्या ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, क्या विक्स की बात कर रहा हूँ, क्या प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, तो मैंने ऑलरेडी एक कैलेंडर के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है इसी यूट्यूब चैनल पर, आप कैलेंडर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आगे ट्रेडिंग प्लस लिख के अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये स्ट्रैटेजी मोर और लेस वैसी ही है, इसके एडजस्टमेंट थोड़े अलग हैं, मैं आपके साथ इसके सारे एडजस्टमेंट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर दूंगा। तो ये फिलहाल हमारा इस वीक का करंट वीक का एक ट्रेड है। ये ट्रेड भी एक्चुअली ये स्ट्रैटेजी भी मैंने आपके साथ इसी चैनल पे ट्रेडिंग प्लस चैनल पे ही शेयर किया हुआ है। अगर आप ITC ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आगे ट्रेडिंग प्लस लिख देंगे तो आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी, ये जो स्ट्रैटेजी मैं अभी आपके सामने है। इस स्ट्रैटेजी में हम लोग स्ट्रैडल बनाते हैं, स्ट्रैडल बनाने के बाद जिस तरफ भी हमारा रेंज ब्रेक होने की कोशिश करता है, जो भी हमने रूल डिसाइड किया है उस तरफ की रेंज ब्रेक होती है तो हम अपना एडजस्टमेंट करते हैं। वो सारे एडजस्टमेंट कैसे करने हैं उसकी पूरी एक कंप्लीट डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, आप वो वीडियो जाके देख लीजिए तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, स्ट्रैटेजी को सीख सकते हैं। और ये काफ़ी हद देखिए ये एक नेकेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैडल एक नेकेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी को मैं सिर्फ और सिर्फ ITC के स्टॉक पे ही करता हूँ क्योंकि ITC मोर और लेस एक साइडवेज स्टॉक है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये ITC पे काफ़ी अच्छे से काम करती है। तो आज की वीडियो में मुझे आपके साथ बस ये दो ट्रेड शेयर करने थे, जो कि हमारा ये करंट वीक का ट्रेड है और ये वाला ट्रेड हमारा मंथली ट्रेड है। तो ये दो ट्रेड मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इसके अलावा वेंसडे और थर्सडे को हम लोग लाइव ट्रेडिंग करेंगे, उसकी भी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। राइट, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं जरूर से आंसर करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।